वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, हम लोग आज एक अच्छा रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आप कोई भी रियल एम क्रॉस एन मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, ए, तो उसके लिए रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है, और ये फर्दर रैंक ऑफ ए ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी आपको काम आएगा, हेल्प देगा आपको CSIR, NET या GATE के एग्ज़ाम में। तो आप इसको शुरू से लास्ट तक काफ़ी अच्छे से देखिए, काफ़ी इजी है, आपको कोई मुश्किल इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। देखिए, इसको प्रूफ करने का भी बहुत आसान तरीका है। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे आप देखिए, ए मेरे को एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। सो वी हैव ए इज़ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए आपका एम क्रॉस एन है, देन क्या होगा? देन जो ए ट्रांसपोज और ए है, इसका साइज क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए, दोनों चूँकि मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ले सकते हैं, ठीक है। वी कैन टेक ए एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रियल टू रियल लेना है, तो मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। आर एन टू आर एन आपको पता है, देयरफॉर इसका साइज क्या होगा? एम क्रॉस एन होगा, ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ। एंड और ए ट्रांसपोज ए को मैं ले लेता हूँ फ्रॉम आर एन टू आर एन, ठीक है। तो इसका साइज क्या होगा? इसका साइज होगा एन क्रॉस एन, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, दोनों का डोमेन आपको सेम दिख रहा है, डोमेन अगर सेम है देन वी कैन अप्लाई रैंक नलिटी थ्योरम। सो बाई रैंक प्लस नलिटी थ्योरम, नलिटी थ्योरम क्या होता है ये थ्योरम? अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ तो आप लोग देखेंगे ये कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस विच इज़ एन, डायमेंशन ऑफ डोमेन, ओके। और इधर मैं देखूँगा तो ये होगा एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए प्लस नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू अगेन डायमेंशन ऑफ डोमेन विच इज़ एन। अब देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया है, ठीक है। तो अगर मैं ये क्लेम कर दूं कि ये दोनों आपस में सेम है, नलिटी ऑफ ए इज़ जस्ट इक्वल टू नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, तो मेरा क्या हो जाता है? ये टास्क खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा कि रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। तब देखिए, यहाँ पे नलिटी की बात है, तो नलिटी तो दूर की बात है, क्योंकि ये डायमेंशन होता है नल स्पेस का। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये मैं क्लेम कर रहा हूँ यहाँ के, कि जो नल स्पेस होता है ना ए का, वही इक्वल होता है नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट रिजल्ट आ गया आपके लिए, जो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, इनबॉक्स करके इसको नोट में डाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से रैंक भी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, नल स्पेस तो बहुत सिंपल है, जैसे मैं बात करूँ क्लेम को प्रूफ करने की, तो मैं ले लेता हूँ, सपोज करता हूँ कि लेट एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ए, देन वाट इट मीन, इसका मतलब ये होगा कि ए एक्स हमको क्या मिलेगा? नल जो है मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू हमको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ए जो है मेरा वो क्या है? वो है मेरा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, और जो एक्स है मेरा वो क्या होगा? वो डेफिनेटली आपका एन क्रॉस वन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स है वो आपका क्या है? वो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्रॉस वन मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है ना। हमको इधर बस जीरो मैट्रिक्स चाहिए, इसका साइज तो आपका चेंज कर सकता है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं ए ट्रांसपोज से ए एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगेन ये क्या होगा? ये फिर से जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई नल मैट्रिक्स, चूँकि आपका ए एक्स क्या है? नल मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन ये नल मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, ओके। साइज आप देख लेना, साइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए, तो यहाँ से आपका सिंपली ये आ गया कि ए ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया? ये आपका हो गया जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, सो डेफिनेटली एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। अब देखिए, एक्स मेरा आर्बिट्ररी एलिमेंट था, वो नल स्पेस ए का था, तो ये इसमें भी मिल गया। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज नल स्पेस ऑफ ए इज़ द सबसेट ऑफ नल स्पेस ए ट्रांसपोज ए, ठीक है, एक रिलेशन मिल गया हमको। अब इसका मैं कन्वर्स पार्ट अगर दिखा दूँ तो ये आपका इजिली प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो कन्वर्सली चलिए, कन्वर्सली चलने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको ले लेंगे, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ y बिलोंग्स टू n ऑफ a ट्रांसपोज a, ठीक है।
अगर ये होगा तो क्या होगा, तो बताइए। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि ए ट्रांसपोज ए इंटू वाई, ये आपको इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ए ट्रांसपोज ए, इसका साइज क्या है, इसका साइज हम लोगों ने देखा है कि ये है एन क्रॉस एन, ठीक है जी, ओके। अच्छा, फिर ये वाई, तो वाई डेफिनेटली यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसका साइज होगा एन क्रॉस वन, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको एन क्रॉस वन, ठीक है। तो एन क्रॉस वन इसका साइज है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे वाई ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान दीजिएगा वाई ट्रांसपोज से, ठीक है, तो डेफिनेटली कर सकता हूँ और ये एग्जिस्ट भी करेगा, इसलिए कि वाई जो है आपका वो एन क्रॉस एन है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन क्रॉस एन, ठीक है। इस पूरे का साइज क्या आ गया है, एन क्रॉस वन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वन क्रॉस वन का जीरो मैट्रिक्स हमको मिल जाता है, ठीक है। तो अगेन यही वही बात हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, दिस इज ए रो मैट्रिक्स, सो ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स विथ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स विथ एनी नल मैट्रिक्स इज अगेन ए नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्योंकि क्या आ गया है, वाई ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए वाई इक्वल टू जीरो आ गया है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं ए वाई का ट्रांसपोज, ठीक है, इंटू ए वाई इज इक्वल टू जीरो, सिंस वी नो दैट कि कोई भी आप दो मैट्रिक्स लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज एंड ए वेक्टर, ए ट्रांसपोज ऑफ ए वेक्टर एंड वेक्टर, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर ए वाई ए वाई, ओके। सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू जीरो, ओके। दिस मीन्स द नॉर्म ऑफ ए वाई, दिस इज द नॉर्म ऑफ ए वाई, ओके, इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ नॉर्म इज जीरो देन दिस इम्प्लाइज ए वाई इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। तो अब देखिए, ए वाई भी आपका जीरो आ गया, इसका मतलब है कि जो वाई है, ठीक है, वो क्या है, वो मेरा नल स्पेस ए का मेंबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए, वाई मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था जो ए ट्रांसपोज ए का था और वो ए में भी चला गया, इसका मतलब है कि नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज व्हाट इज द सबसेट ऑफ नल स्पेस ऑफ ए। तो दोनों इक्वेशन एग्जिस्ट कर गया है, तो बाई वन एंड टू हम लोग बोल सकते हैं क्या, बाई वन एंड टू कि जो नल स्पेस ऑफ ए है इट इज़ इक्वल टू नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ठीक है जी। अब अगर नल स्पेस इक्वल है तो इसका आप डायमेंशन भी इक्वल होगा डेफिनेटली, सो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ए ट्रांसपोज ए, ओके। और डायमेंशन ही क्या कहलाता है, यही आपका नलिटी कहलाता है, सो नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वाट, इट इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए। और अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग जो ऊपर रिलेशन देखे थे रैंक नलिटी थ्योरम में, वहाँ से आप डेफिनेटली बोल सकते हो क्या कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू वाट, इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपको अच्छे से अब याद रख लेना है कि ये आपका इक्वल होता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूँ ए ट्रांसपोज से, ठीक है, सो ऑल्सो क्या हम लोग लिखेंगे, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ए को मैं रिप्लेस कर दूँ किससे, ए ट्रांसपोज से, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आ जाता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। अब आप इसको देख लीजिए, ये इक्वेशन थ्री है, ये फोर है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं, ये हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं उसका प्रूफ कि रैंक ऑफ ए क्या होता है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो थ्योरम थ्री और फोर से, रिलेशन थ्री और फोर से आप क्या बोल सकते हो कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए ये क्या होगा, ये इक्वल होगा रैंक ऑफ ए ए ट्रांसपोज का। सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट है जो सी एस आई आर नेट और गेट के एग्ज़ाम में आते रहता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको कंक्लूड कर दूँ, ठीक है, ओके। अगर हम लोग कंक्लूड करें तो क्या क्या प्रॉपर्टी बनता है, तो प्रॉपर्टी ये बनता है, याद रखिए कि रैंक ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्लियर है। दूसरा प्रॉपर्टी ये बनता है हमारा कि
ये तो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा ये बनता है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये तभी होगा जब आपका ए क्या होगा, ए आपका रियल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? रियल मैट्रिक्स। इसलिए कि कॉलम मैट अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स जो है फील्ड में चला जाता है ना, तो वहाँ पे ये आपको फिर जो है हिट नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर आप कॉम्प्लेक्स फील्ड ले लेते हैं या कॉम्प्लेक्स स्पेस अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ आपका ट्रू नहीं होगा, ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। कैसे? देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप जैसे एक एग्जांपल ले लें, मैं ए ले लेता हूँ, क्या ए मैं ले लेता हूँ 1 iota 0 0, ठीक है। तो डेफिनेटली जो रैंक ऑफ ए है वो क्या हो गया, यहाँ से आपको रैंक ऑफ ए 1 मिल गया, ठीक है। इसका ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज ये आ जाएगा 1 iota 0 0, ठीक है, ये आ जाता है। तो डेफिनेटली जो आपका ए का ट्रांसपोज है उसका भी रैंक 1 है, ठीक है। तो ये तो हिट करता ही है कि रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, चाहे ये आपका रियल हो या आपका कॉम्प्लेक्स हो, कभी भी ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका पहला वाला, ये फॉर आपका ऑल मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये आपका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे जब मैं ए और ए को मल्टीप्लाई करता हूँ, ए को ए ट्रांसपोज से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, 1 iota² 0 0 0, ठीक है, एंड इट इज़ अगेन 0, तो ये आपका हो जाता है 0 0 0 0, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए कि रैंक ऑफ ए ए ट्रांसपोज क्या आ जा रहा है, सो इट इज़ 0, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऊपर में तो 1 1 था, ये 0 था, यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि रैंक ऑफ ए ए ट्रांसपोज नॉट नेसेसरली इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देख रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपको रियल में ही सिर्फ काम करेगा, कॉम्प्लेक्स में ज़रूरी नहीं है काम करे। अच्छा, हर्मिशन में भी ये स्क्यू हर्मिशन में काम करता है, ये आप जा करके देख सकते हैं, स्क्यू हर्मिशन में ये चीज़ हिट कर जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी ले लें तो। क्लियर है? अच्छा, तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या आ गया, तीसरा प्रॉपर्टी ये आ गया कि नल स्पेस, ठीक है, नल स्पेस जो है अगर आप ए ट्रांसपोज ए की लेते हो तो ये क्या आता है, ये आपका नल स्पेस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है, और इसी को आप ले सकते हैं फिर ए ए ट्रांसपोज के इक्वल भी, ठीक है। तो यही इक्वल है, तो यहीं से तो चूंकि खुद नल स्पेस ही इक्वल है, तो नलिटी के बारे में क्या कहना, ये तो कहना हम तो एक तरह का गुस्ता जो है बहुत बड़ा ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, चूँकि भाई नल स्पेस ही इक्वल है तो आगे की क्या बात करनी। तो डेफिनेटली ये भी आपका क्या होने वाला है, नलिटी भी इक्वल हो जाएगा, चूंकि ये सिंपली डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होता है, ठीक है। हाँ, बट देखिए कन्वर्स ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं पे नलिटी इक्वल है तो नल स्पेस भी इक्वल हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, नल स्पेस इक्वल हो गया तो आपको मम्मी मिल गई, तो जो है मम्मी के साथ में तो उसके बच्चे रहेंगे ही रहेंगे, नलिटी वाला भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपको। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग अभी प्रॉपर्टी देखे हैं नंबर 4, अगर यहाँ से मैं आपको ये बोलूँ कि अगर मैं रेंज स्पेस की बात करूँ, ठीक है, जैसे रैंक हम लोगों ने देख लिया, तो अगर मैं रेंज स्पेस की बात करूँ तो रेंज स्पेस में ये चीज़ नहीं होता, ठीक है। तो रेंज स्पेस में क्या होता है, तो रेंज स्पेस की अगर आप प्रॉपर्टी चाहते हैं तो देखिए उसमें ये लिखेंगे हम लोग। तो देखिए रेंज स्पेस में ये होगा कि रेंज स्पेस ऑफ ए बी, ठीक है, ये इक्वल होता है रेंज स्पेस ऑफ ए का। कब होगा, याद रखिएगा, जब इफ़ रैंक ऑफ ए बी ये क्या हो जाए, ये आपका इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ए का। अगर ये चीज़ होता है तब ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, रेंज स्पेस के लिए मैं बता रहा हूँ, जबकि नल स्पेस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नल स्पेस ऑफ ए बी और नल स्पेस ऑफ ए आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका रैंक तो इक्वल होगा ही होगा। तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू वाट, यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है ना, अगर ये इक्वल होगा तो रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन ए टू बी मैपिंग में जनरली ये आपका एन बी के इक्वल हो सकता है, तो जैसा जो एग्जिस्ट हो सकता है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपके काम का है। तो अगर ये आपका ये है तो ये तभी होगा जब आपका रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये तो आपने अभी देखा है, ठीक है, कि अगर नल स्पेस इक्वल है तो डेफिनेटली
रैंक भी इक्वल आ जाएगा क्योंकि नलिटी भी इक्वल हो जाता है। लेकिन ये देखिए रेंज स्पेस के लिए है कि रेंज स्पेस ऑफ ए बी अगर रेंज ऑफ ए के बराबर है तो ये तभी होगा जब रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर होगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं जो नल स्पेस वाला प्रॉपर्टी है वो रेंज स्पेस में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, खैर ये बात की बात है, जब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत तरह का और भी रिजल्ट्स हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। तो इतने को आप अच्छे से समझ लीजिए, आई होप आपने इसको अच्छा समझ लिया है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, डेफिनेटली सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ही देखते हैं तो कर लें। आपको डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छे वीडियोज़ मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।